गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह मैं उठ के आ चुका हूँ। मम्मी पापा फिर से निकल गए हैं, जैसा कि अभी अभी उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो तुषार अंकल के साथ गए हैं। तो जो भी हो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे शुरू करता हूँ। ट्यूबलाइट टेढ़ा हो गया गाइस, मैं इसीलिए उधर देख रहा था। अभी देख रहा हूँ कि ट्यूबलाइट जो है टेढ़ा हो गया है, ऊपर से शायद निकल गया है कि क्या, पता नहीं कील। फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे हो गया है। मैं आप लोग का ब्लॉग शुरू कर देते देख रहा हूँ कि ट्यूबलाइट अचानक से टेढ़ा हो गया है। तो जो भी हो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे शुरू करता हूँ। मम्मी पापा के साथ जल्दी आ जाएंगे, कल तो बहुत लेट हो गया था, बहुत दूर चले गए थे वो लोग, क्योंकि हॉस्पिटलाइज हुए थे तो बहुत कुछ था इसीलिए। बट आज जो है जल्दी आ जाएंगे। तो आज बट कुकिंग मैं कर रहा हूँ, क्या मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, आप लोग सब देखो। तो गाइस मैं आज इसका सब्जी बनाऊंगा, ये है पम्पकिन और ये कोई साग है, इसका नाम नहीं पता। इसको हम लोग बोलते हैं पुई साग, और ओडिया में पुई साग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सब्जी बनेगा आलू डाल के। तो गाइस अभी जो है सब्जी रेडी हो गया है, देखो मसाला रेडी हो गया, ये बॉईल कर लिया अभी इसको, इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब इसको मसाले के साथ मिला लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ चना लेके आया था रोहन कल रात को ढाबा से, तो खाए नहीं थे तो वही है, उसको अभी गर्म कर ले रहा हूँ, उसको मैं अभी रोटी के साथ खा लूंगा। और ये मम्मी पापा के लिए बना रहा हूँ मैं। गाइस मैं अभी लंच करने बैठ जा रहा हूँ, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, सुबह का ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था। तो ये है तंदूरी रोटी और उसके साथ है छोले, जो कि रात को रोहन लेके आया था, और सबके सब अभी मतलब सूख साग से गए, जो भी है गाइस फेंकेंगे थोड़ी, अब खा ले रहा हूँ उसको गर्म करके। ठीक है, तो छोले देख पा रहे होंगे, और ये है तंदूरी रोटी। और किचन में जो है मैंने सब्जी बना लिया, सोचा था आलू पोटल का करी बनाऊंगा, बट अभी मम्मी पापा जो है आ रहे हैं तो ये सब्जी बन चुका है। इसमें मैंने दाल बिठाया, देखो कुकर सीटी ही नहीं मार रहा, इतना परेशान कर रहा है गाइस, क्या मैं बताऊँ। ठीक है, तो ये मम्मी लोग का स्ट्रगल जो है मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो लोग कितना स्ट्रगल करती होंगी किचन में। और ये देखो सब्जी बन गया है, पूरी आलू और कुमड़ो, कुमड़ो मतलब पम्पकिन, आलू और पोई साग देके सब्जी बना लिया है। ठीक है, भात भी बन गया है, राइस भी बन चुका है यहाँ पे, आंटी आके उन्होंने बना दिया था राइस। ठीक है, और यहाँ पे जो दाल बन जाएगा, बस इतना ही आज का लंच। तो अब पानी है सियामी के, हेलो जी, व्यापक रन्ना है, हेवी रन्ना, झाल है, नहीं खूब सुंदर है, झाल कॉम्बिनेशन का खूब भालो है, खूब भालो। Later that same evening. मम्मी आ गई है, देखो आप लोगों को कल सारा दिन मम्मी को नहीं देखने को मिला था, मम्मी आ गए कल रात के कितने बजे मम्मी आप लोग आए, 4 बजे, 4 बजे ये लोग आए, बहुत दूर गए थे ना आप लोग, जो भी उनका मामा का तबीयत कैसा है अभी, अभी थोड़ा ठीक है, फिर भी हॉस्पिटल में है, थोड़ा अभी आने जाना करना पड़ेगा। आज सुबह भी मम्मी गई थी, अभी अभी मतलब आज जल्दी आ गए लोग, दोपहर तक आ गए थे। और आज का मेरा हाथ का खाना कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा था, दाल बनाते बनाते इन लोग खाना खा लिए, इतना इन लोग को भूख लगा था। आप लोग जहाँ गए थे वहाँ पे अच्छा कोई होटल वगैरह नहीं था, ढाबा था, मतलब खाने का टाइम नहीं था, वो थोड़े दूर था। अच्छा, तो यही है, बहुत दूर था, और ऊपर से गर्मी कितना हो रहा है गाइस, बहुत गर्मी है, 40 डिग्री हो रखा है कोलकाता में एक। हाँ हाँ, तो गाइस देखो शाम को अभी बज रहे हैं 7:30, और रोहन ने इतना सारा खाना हम लोग के लिए ऑर्डर किया है, चटनी सांबर दही बड़ा डोसा वड़ा और इडली। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको खाएंगे, शाम का नाश्ता हो गया अभी हम लोग का ये, और उसको खाने का मन था थोड़ा सा डोसा, तो उसने आधा खाया, और उसको ज़्यादा खाने का मन नहीं था, तो मम्मी और हम लोगों के लिए मंगाया था, इसलिए बहुत सारा क्वांटिटी में मंगाया। चलो इसको खाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। Later that night. तो गाइस आज का डिनर भी मैं ही बना रहा हूँ, मम्मी बोलेगी पोटल आलू का मतलब क्या बोले, ग्रेवी जैसा बना दो, तो सब लोग खाएंगे रोटी के साथ कौसा कौसा, हम लोग उड़िया में कौसा बोलते हैं ग्रेवी को, तो वही मैं बना रहा हूँ। अभी मैंने आलू यहाँ पर डाल दिया, मैं रेसिपी पहले भी एक बार डाल चुका हूँ, तो इसीलिए आज इसका रेसिपी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अभी आलू मैंने फ्राई करने को डाला है, कुछ ही देर में अभी परवल भी डालूंगा, परवल को भी फ्राई कर लूँगा, उसके बाद ग्रेवी बनाऊंगा और ऐड करूँगा, और क्या बस नॉर्मल ही है। देखो यहाँ पर मम्मी बना रही है भिंडी का भुजिया। ठीक है, तो मैं मम्मी को एक टिप देना चाहता हूँ, मम्मी मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, आप भिंडी में नींबू डाल देती तो इतना चिपचिप नहीं होता, खट्टा भजा कर देता हूँ, खट्टा भजा कर ही खाई।
तो वो लोग तो बोलते हैं कि नींबू डालने से इतना चिपचिप नहीं होता, तो नींबू डाल के तो सब खट्टा करके डाल लेंगे, सब वही खा लेंगे। नींबू वाला भिंडी क्यों चिपचिप करे? ठीक उसको फिर ये कर रहा है। बहुत डांटती है। गाइस अभी मैं हूँ कृषु के घर पे, देखो रोल खा रहा है। तो आज आंटी बनाई है पनीर रोल। यहाँ आ गया अंकल, लेके आ गए। नहीं रहा हर बार की तरह बहुत ही टेस्टी। थैंक यू आंटी, बहुत टेस्टी बना है। देखो गाइस ये है वो स्टफिंग जो कि अपने आप ही बाहर निकल के आ गया। बोला कि बिना दिखाए खाया नहीं जाएगा, इसीलिए अपने आप ही बाहर आ गया। शाबाश। तो ये है पनीर का स्टफिंग और कैप्सिकम, गाजर, टमाटर सब डाल के इसको अच्छे से सॉस वगैरह डाल के फ्राई किया गया और स्टफिंग बनाया गया। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हुआ। ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने को, कुकिंग फूड यही सब दिखाया मैंने। और मम्मी लोगों से, मम्मी से भी आप लोग को मिला दिया। एक दिन हो गया पूरा मम्मी को नहीं देखे थे आप लोग। तो जो भी हो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कल है संडे, होप करता हूँ कि कल कुछ अच्छा हो और अच्छा आप लोग को देखने को मिले।